गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। होप आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर लिया होगा, जिसमें मैंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थोड़ा सा आपको करवाया था। तो आज थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्ड वर्जन की है क्या ये। तो सबसे पहले मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और दूसरा है सप्लाई प्राइस। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक तरीके से एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है, जो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑन अ कैपिटल एसेट एंड सप्लाई प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। तो दो डिटर्मिनेंट्स है इसके, प्रोस्पेक्टिव यील्ड इट्स नथिंग बट द एक्सपेक्टेड रिटर्न और सप्लाई प्राइस दैट इज अ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट। ठीक है, तो अगर मैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड को थोड़ा और ज्यादा डिटेल्ड में बताऊं तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ओवर लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे कॉस्ट का प्रोजेक्शन लगाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ज्यादा हैं तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, सप्लाई प्राइस दैट इज करंट कॉस्ट बॉर्न बाय इन्वेस्टर, किसी भी मशीन, किसी भी कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसका करंट कॉस्ट कितना है। सो दूसरा इस एमईसी डिपेंड करता है फ्यूचर रिटर्न्स पे। तो फ्यूचर रिटर्न्स है क्या, फ्यूचर रिटर्न्स आर देयरफॉर टू बी डिस्काउंटेड एट सम रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहां पे मैं रेट ऑफ डिस्काउंट की जब बात करूंगी तो कुछ इकोनॉमिस्ट यहां पे इसको एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं। बिफोर दीज आर कंपेयर्ड विथ करंट कॉस्ट और सप्लाई प्राइस। तो पहले क्या है कि हम फ्यूचर रिटर्न्स को ये देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, फिर हम कंपेयर करेंगे सप्लाई प्राइस के साथ। और फ्यूचर रिटर्न्स जो है वो किसी ना किसी डिस्काउंट रेट पे देखे जाते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स कैसे निकालेंगे हम, पीवी इज अ प्रेजेंट वैल्यू, पी वाई एन इज की प्रोस्पेक्टिव यील्ड इन एन ईयर्स ओवर वन प्लस आर का पावर एन, आर जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 100 और मेरे पास 5 साल है, 5 साल में जो हर साल मेरे पास प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो 100 है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो मेरे पास 5% है। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पहले ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 95.24, सेकेंड की 90.7, यही सेम फॉर्मूला लगा के मैंने थर्ड ईयर की भी निकाल ली है 86.38, देन 82.27, देन 78.35। तो टोटल मैं देखूं तो 432.94। अब 5 सालों की ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब कोई भी इन्वेस्टर किन कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो देखेगा कि या तो ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू है सप्लाई प्राइस यानी कॉस्ट के इक्वल हो, या फिर कॉस्ट से जो है ये वाला, तो या फिर सप्लाई प्राइस थोड़ा सा जो है कम हो। सप्लाई प्राइस यानी कि कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम है तो कोई भी इन्वेस्टर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नाउ फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनिंग एमईसी, एमईसी का फॉर्मूला क्या है, एसपी इज सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पी वाई वन प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर ओवर वन प्लस एम। तो अब अगर मुझे प्रोस्पेक्टिव यील्ड निकालना है तो क्या निकलेगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस इनटू वन प्लस एम, राइट। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड अगर मैंने ये फर्स्ट ईयर में निकाला तो मेरे पास ये बन गया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इट फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो एज अ सप्लाई प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो पी वाई वन इज इक्वल टू पी वाई टू ओवर वन प्लस एम। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो पी वाई टू मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू पी वाई वन इंटू वन प्लस एम। तो पी वाई वन की मैं वैल्यू यहां से फर्स्ट से लेके इसमें पुट कर सकती हूं, तो मेरे पास सेकेंड ईयर में सप्लाई प्राइस क्या आ गया, पी वाई टू ओवर वन प्लस एम का स्क्वायर। तो सिमिलरली थर्ड ईयर में भी निकाल सकते हैं, फोर्थ ईयर में भी निकाल सकते हैं, तो ये सप्लाई प्राइस अपने पास आ जाएगा पी वाई वन ओवर वन प्लस एम, पी वाई टू ओवर वन प्लस का स्क्वायर, एडिशन में ये चलेगी पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में मुझे लिखना है तो सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पी वाई एन ओवर वन प्लस एम का होल का एन रूट, ठीक है, एन सॉरी एन पावर, ठीक है। तो वन प्लस एन
का पावर जो है मैं इधर ले आई हूं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करके मेरे पास पी वाई एन ओवर एस पी आ गया। तो यहां पे एम इन टू एनथ रूट ऑफ पी वाई एन ओवर एस पी माइनस वन, ये मेरे पास जो है एम का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो दिस इज एम ई सी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया एम ई सी। कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने इस फॉर्मूला से ड्राइव करके इसको सिंप्लीफाई किया है एम के वैल्यू को, राइट। तो अब एस्टिमेट करते हैं एम ई सी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट। सेम ही हमारे पास चलेगा कि सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू पी वाई वन ओवर वन प्लस आर प्लस पी वाई टू ओवर वन प्लस आर का स्क्वायर प्लस पी वाई थ्री ओवर वन प्लस आर का क्यूब प्लस पी वाई फोर वन प्लस आर का फोर एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास ईयर्स हैं। और यही अगर मैं सेम वही वाला टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे 5 रेट ऑफ डिस्काउंट है, 100 प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, तो मेरे पास 432.94 जो है सप्लाई प्राइस बन गया। अगेन अगर तो इसके बराबर ही है सप्लाई प्राइस, यानी कि जो मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं और सप्लाई प्राइस उसके बराबर है, फिर भी प्रोजेक्ट लिया जा सकता है या सप्लाई प्राइस उससे कम हो। दूसरा, केन्स रेफर टू दिस रेट ऑफ डिस्काउंट एज अ रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल एसेट। तो केन्स कहता है ये रेट ऑफ डिस्काउंट ही रेट ऑफ रिटर्न है। अब कई कई जगह पे केन्स इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह भी यूज करता है। तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट ज्यादा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो एमईसी हमेशा कम हो जाएगा, राइट। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा कॉस्ट, उतना ही कम MEC इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वाइस वर्सा, दूसरी तरफ से भी वैसे ही चलेगा। दूसरा क्या है, गिवन सप्लाई प्राइस स्ट्रीम ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है हायर होंगे तो MEC भी हायर होगा। रिटर्न्स जितने हायर है उतना ही MEC बड़ा होगा, सिंपल सी बात। और कॉस्ट जितना बड़ा है या इन्वेस्टमेंट आप लगा के चलिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कॉस्ट है, तो MEC उतना छोटा होगा। तो ये दो जनरल ऑब्जर्वेशन हमें यहां से मिलती हैं इस इक्वेशन से, राइट। नाउ देख लेते हैं एमईसी और इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल। तो यहां पे एमईसी और इन्वेस्टमेंट का इन्होंने आपस में रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, यहाँ पे आरओआई भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि इजिली वी कैन सी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा तो एमईसी कम होता चला जाएगा, जो हमने पहले भी ये बात कही है कि इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट जितना बड़ा होगा उतना ही एमईसी कम होगा, राइट। कोई भी इन्वेस्टर ये भी देखता है कि एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपस में इक्वालिटी में चले। तो इसके थ्रू हम लोगों ने एक आया इन्वेस्टमेंट कर्व बना ली, जिसमें ओ एक्स एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, ओ वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एमईसी लिया है। तो ये डिमांड कर्व के जैसा ही बन गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच शोज कि जैसा जैसा मेरा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे एमईसी कम होता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में बराबर होगा। जैसे 10 था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 50 इन्वेस्टमेंट था, राइट। अब 9 हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 100 हो गया, अगर 8 हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 150 हो गया, राइट। सो कीपिंग इन व्यू एमईसी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आया इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। अब देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एमईसी। तो उसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है, साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट कितना बड़ा है या छोटा है। जितना बड़ा मार्केट होगा उतना एमईसी ज्यादा होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो कॉस्ट एंड प्राइसेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस उस पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। जैसे अभी भी हम लोग कोरोना वायरस आउटब्रेक की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि मार्केट में कुछ चीजें उनका बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशंस है, उनमें जो है बहुत ग्रोथ होगा, कई चीजों में ग्रोथ जो है कम होगा। थर्ड इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि लोग कितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही बड़ा एमईसी होगा। साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहते हैं, वेदर दे वॉन्ट टू एक्सपैंड इन द मार्केट और नॉट। इफ दे वॉन्ट टू एक्सपैंड देन एमईसी इज ग्रेटर। लेवल ऑफ इनकम,
इनकम जितना बड़ा उतना ही एमईसी भी बड़ा होगा. टैक्सेशन पॉलिसी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टैक्सेस के थ्रू हमारे ज्यादा पैसे जा रहे हैं और टैक्सेस के पैसे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो एमईसी डेफिनेटली कम हो जाएगा. अगर टैक्सेस कम है या फिर टैक्सेस के पैसे फर्दर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो एमईसी बड़ा होगा. देन लॉन्ग टर्म फैक्टर्स आ जाते हैं. लॉन्ग टर्म फैक्टर्स में आ जाते हैं पॉपुलेशन साइज, नेचर ऑफ इकोनॉमी, इनोवेशन एंड कंज्यूमरिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड. तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में काम करते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, इकोनॉमी कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिसेशन है, कैसा है, कितना जो है R&D हो रहा है, कितना लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म कितना है, या वर्ल्ड वाइड हमारा फ्री ट्रेड या फिर बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसा है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है MEC को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन MEC, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस. अगर प्राइजेस कम हो जाएंगे तो MEC भी कम हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो भी MEC कम हो जाएगा. प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी किसी भी तरीके से आ सकती है. हो सकता है मशीन की प्रोडक्टिविटी, हो सकता है लेबर की प्रोडक्टिविटी, हो सकता है ओवरऑल डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी मार्केट में तो MEC भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये थे फैक्टर्स एंड कॉजेस. अब देख लेते हैं MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशनशिप है. जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई भी इन्वेस्टर MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों को आपस में कंपेयर करता है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम है, MEC ज्यादा है, तो डेफिनेटली मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास MEC का कर्व है, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट. तो एक्स एक्सिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट लिए, यहाँ पे MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए. तो यहाँ पे आप देखो, MEC इज ग्रेटर देन R. जब तक MEC ग्रेटर देन R है तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा. अगर MEC कम है इस केस में, ठीक है, तो फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होगा. कोई भी एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, अप टू दिस लेवल तक इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पे MEC और ROI आपस में बराबर है. इसको टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं. जैसे मेरे पास ये सप्लाई प्राइस है, ये एनुअल यील्ड है, MEC है, ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इफेक्ट है. तो यहाँ पे आप देखिए, 5000 सप्लाई प्राइस, 200 एनुअल यील्ड. तो अगर MEC 4 एंड ROI 4 है तो न्यूट्रल, ये E वाला मेरे पास आ गया, राइट. और अगर 4000 SP है, 200 AY है, मेरे पास 5 MEC और 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कम है, MEC ज्यादा, ये वाला फैक्टर आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट चलता चले जाएगा, होगा फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है. और अगर यहीं पे MEC जो है कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, राइट. अब MEC दो तरीके से हो सकती है, इलास्टिक और इन इलास्टिक. आप डेफिनेटली इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस देख सकते हैं. इलास्टिक का मतलब एक वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आने पे भी दूसरे वेरिएबल में बहुत बड़ा चेंज. इन इलास्टिक का मतलब इस वेरिएबल में यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत बड़ा चेंज है लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत कम चेंज है. तो अगर इलास्टिक है तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चेंज होगा. ये देखो, थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चेंज हुआ है. और इन इलास्टिक में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना चेंज नहीं हुआ है. ये थोड़ा सा डिपेंड करता है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे कि आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं. अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. तो पहला मेरे पास आ जाता है वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स. तो बड़ी कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये बहुत वेग या कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है जो कि एक लेमैन को समझ नहीं आती है. देन सेकेंड इज डिफरेंस फ्रॉम रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब केन्स ने बहुत जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC को एक जैसा दिखाया है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEC में बहुत बड़ा डिफरेंस है. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द मे बी मॉनिटरी पॉलिसी एज वेल. MEC जो है थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है. तो देयर इज सम डिफरेंस, डिफिकल्ट मेजरमेंट. मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया होगा तो आप जान सकते हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे जो एक क्लासिकल जीवन केन्स
परफेक्ट कंपटीशन का एक अजम्पशन लेके चलते हैं विच इज वेरी अनरियलिस्टिक इन द मार्केट, राइट। तो उसके बाद हम देख लेते हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस में दो तरीके की एक्सपेक्टेशंस है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स बहुत छोटा टाइम पीरियड से 1 ईयर जिसको आप कह सकते हैं उस उनको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस है, राइट। लॉन्ग टर्म जो कि 10, 20 साल, 50 साल, राइट। तो अब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होता क्या है कि आने वाले टाइम में किसी भी बिजनेस में कैसा होगा, क्या होगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म का जो होता है वो स्टेबल एंड कंटिन्यूटी में होता है, लाइक कि आपको पता चल जाएगा कि साल के बाद क्या होने वाला है या फिर मार्केट्स कैसे रहेंगी या फिर मे बी गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी होगी, या कंटिन्यूटी बनी रहती है, कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। ऑल दो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, कि एक साल पहले किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस की भी धज्जियाँ उड़ी हैं, राइट। बट स्टिल शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस में हम फिर भी ये लेके चलते हैं कि दीज आर स्टेबल एंड कंटिन्यू। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस 20, 25 साल, 50 साल बाद क्या होगा, वी डोंट नो एक्चुअली, राइट। तो ये दीज आर वेरी अनस्टेबल, वी कैन नॉट से एनीथिंग कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कितना हो जाएगा या फिर एकदम से कोई एपिडेमिक आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसा होगा, नेचुरल डिजास्टर हो गया तो कैसा होगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे इट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग एक्चुअली, राइट। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस को बहुत इफेक्ट करते हैं? दीज आर सर्टन फैक्टर्स एंड अनसर्टन फैक्टर्स। सर्टन फैक्टर्स होते हैं लाइक हमें पता है कि इस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो अगले 10 साल में भी उसी रेट से होगा या उससे थोड़े कम ज्यादा रेट से होगा, ठीक है। दीज आर द सर्टन फैक्टर्स। अनसर्टन फैक्टर्स होते हैं लाइक वर्ल्ड वॉर हो गया, कोरोना वायरस आ गया, राइट। तो ये अनसर्टन फैक्टर्स है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें किसी को नहीं पता है कब होगा क्या होगा। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। तो मार्केट जो प्ले करती है, जो MEC बेसिकली एक टॉपिक है या एक वर्ड है, वो ज्यादातर प्ले होता है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पे। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। अब देख लेते हैं सेक्युलर स्टैग्नेशन। तो सेक्युलर स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या चीज? तो केन सेज, रिचर द कम्युनिटी द वाइडर विल टेंड टू बी द गैप बिटवीन इट्स एक्चुअल एंड इट्स पोटेंशियल प्रोडक्शन एंड देयरफॉर द मोर ऑब्वियस एंड आउटरेजियस द डिफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम नॉट ओनली इन द MPC वीकर इन द वेल्थी कम्युनिटी बट ओइंग टू इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बींग ऑलरेडी लार्जर द अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट आर लेस अट्रैक्टिव। तो ये ज्यादातर रिचर इकोनॉमीज में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, जब डेवलप्ड कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हो चुके होते हैं तो उनकी इकोनॉमी में धीरे धीरे डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाती है, फर्दर कोई भी जो है कंजम्पशन कम हो जाती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेक्युलर स्टैग्नेशन आ जाती है। तो ये चीज जो है यू कुड से दिस इज द थिंग विच कम आउट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मे बी डेवलप्ड कंट्रीज, कि एक बार जब बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके तो उसके बाद और कितना डेवलपमेंट, एक बार बहुत ज्यादा कुछ ले लिया है, सब कुछ है हमारे पास, तो और कितना डिमांड आएगा। तो एक टाइम के बाद जो है डिमांड कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्युलर स्टैग्नेशन आ जाता है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टैग्नेशन न्यू? क्या ये एक जो कॉन्सेप्ट है क्या नया है? क्या ये केन्जी लेके आया है? तो सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट से नहीं, ऐसा नहीं है। एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जेएस मिल है, कार्ल मार्क्स है, जो कि हमारे क्लासिकल्स रहे हैं, तो उन्होंने भी ये रीजंस दिए थे कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ प्रॉफिट जो है कम होगा। रेट ऑफ प्रॉफिट के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है, वो है कि डिमांड में कमी का आना या फिर पॉपुलेशन का कम होना, ठीक है। या फिर जैसे रिगार्डो ने हमें बताया था कि धीरे 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 जो है इन्फीरियर लैंड हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक बार इकोनॉमी अपने अप ग्रेड पे आ गई तो उसके बाद एक हाईएस्ट लेवल अचीव करने के बाद नीचे की तरफ जरूर आएगी। नाउ कॉजेज ऑफ द सेक्युलर स्टैग्नेशन, क्या कॉजेज रहते हैं? तो फर्स्ट कॉज जो है अंडर इन्वेस्टमेंट,
डिक्लाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो आपने देखा होगा डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, खास करके डेवलपिंग का. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास मेडिकल सर्विसेज नहीं होंगी तो उनका भी कम होगा क्योंकि डेथ रेट ज्यादा होगा पॉपुलेशन. ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने बर्थ रेट पे कंट्रोल कर लिया होगा, इस वजह से उनका रेट ऑफ पॉपुलेशन कम होगा, राइट. लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज आ गई लेकिन बर्थ रेट इतना कम नहीं हुआ है, दैट इज वाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है. इसीलिए इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत डिमांड होती है लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी कम हो गई है. एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड वॉर वन हो गया, टू हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कॉलोनीज जो है वो खत्म हो गई. ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा अपने डेवलपिंग को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कॉलोनीज बनाई हुई थी, जिसकी वजह से क्या है कि मास कंज्यूमरिज्म भी था, मास कंजम्पशन था, राइट. अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं बनाई जाती थी, बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था, राइट. तो वो सब चीजें जो है एंड होने के बाद डेवलप्ड कंट्रीज के लिए उतना डिमांड नहीं रहा. देन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर ऑलरेडी कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा है, जैसा कि अब हम बात करें, पहले क्या होता था, लैंडलाइन होते थे, एक या दो, एक लैंडलाइन होता था, राइट, गली में एक या दो होंगे, राइट. फिर घर घर में लैंडलाइन आ गए, फिर धीरे 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 मोबाइल फोन आ गए. नाउ मोबाइल फोन हर एक के पास है अब, ठीक है. तो अब इतना है कि मे बी किसी के पास एक की जगह दो दो भी है मोबाइल फोन्स. तो हमारे पास क्या हो गया कि ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा हैं, तो व्हाट एल्स वी नीड, राइट. तो अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर और ज्यादा डिमांड नहीं आएगा. चेंज इन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, आज की डेट में कोई कहे कि लैंडलाइन आप लगा लीजिए, मोबाइल फोन छोड़ दीजिए, तो यू विल नॉट डू दैट थिंग, राइट. तो विच मीन्स टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी डिमांड शिफ्ट हो जाता है. इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे पास ट्रेड यूनियंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट. तो बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट अच्छे से डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से नई मशीन्स आ जाती है, जिसकी वजह से एक ट्रांजिशन पीरियड हमें देखने को मिलता है, राइट. उसके बाद एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो 19th सेंचुरी में वैसे भी आप यूएस यूरोप में देखोगे तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, विच एनहांस्ड द प्रोडक्शन ऑलरेडी द मैक्सिमम लेवल. ठीक है, तो अगर मैक्सिमम लेवल पे हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं तो व्हाट एल्स, उसके बाद वो डिमिनिशिंग लॉ तो लगेगा ही लगेगा. देन हमारे पास आ जाता है ओवर सेविंग, इंक्रीज इन एमपीएस, जितना सेविंग बढ़ गया मार्केट में उतना डिमांड कम हो जाएगा, राइट. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर क्या होता है कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, तो ओवरऑल जो है कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी सेविंग बढ़ जाती है और कंजम्पशन डिमांड कम हो जाती है. इंस्टीट्यूशनल सेविंग, सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, दीज कंपनीज पुट असाइड लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनोवेशन रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा. तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई है जो भी कंपनीज, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा अपना जो है R&D में डाल रहे होते हैं या फिर कहीं और लगा रहे होते हैं, रिप्लेसमेंट में लगा रहे होते हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग द थिंग्स. ठीक है, तो बहुत कम पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स में, तो जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड जो है नहीं बढ़ता है. इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एंड अदर सेविंग स्कीम्स, सेविंग इंक्रीज रैपिडली इन डेवलप्ड रिच कंट्रीज बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एंड अदर सेविंग स्कीम्स लीडिंग टू प्रमोट कैपिटल एक्यूमुलेशन. देखो, जितना ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जाएगा उतना ही स्टेग्नेशन होगा, राइट. सो क्रिटिसिज्म, कुछ जो है इस चीज में बिलीव करते हैं तो कुछ जो है वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेकुलर स्टेग्नेशन को भी खत्म किया जा सकता है. इफ देयर इज लिटल स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, डू दैट इन्वेस्टमेंट, और हम लोग जो है वॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, फैशन चेंज करते हैं, टेस्ट चेंज कर सकते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड चीजों को बना सकते हैं, ओवरऑल जो है इस चीज को, पैसिमिज्म को खत्म कर सकते हैं, राइट. सो दस क्रिटिक्स होल्ड द सपोर्टर्स ऑफ केन्स आर अनड्यूली पैसिमिस्ट अबाउट
secular stagnation. According to them, because of the following reasons, there will be no danger of secular stagnation. Technological changes, ठीक है, अगर technology change होगी तो opportunities अपने आप change हो जाएंगी, right? In recent year, manpower productivity has increased, which has belied the apprehension that marginal productivity will decline in future. तो एक चीज और भी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिव यील्ड बढ़ेगी, कम नहीं होगी. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू परसिस्टेंस ऑफ सेकुलर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस आर मोर प्रोमिनेंटली विजिबल देन सेकुलर स्टेग्नेशन. वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, ठीक है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अपने आप में एक अच्छी चीज भी, अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन है दैट इज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स है कि ये सेकुलर स्टेग्नेशन जो है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक चीज है जो केन्स ने हमें दी है, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं. नाउ कंट्रोल ओवर सेकुलर स्टेग्नेशन, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सेकुलर स्टेग्नेशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो मैं हमेशा बोलती हूँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. तो जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गवर्नमेंट रोल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो अगर हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. देन इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली, इंडिया इज वेरी लिक्रेटिव प्लेस टू डू इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉरनर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, डिमांड है. तो डेवलप्ड कंट्रीज कुड शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. इक्वालिटी ऑफ इनकम, जितना इक्वालिटी ऑफ इनकम होगा उतना ही वेल्थ इक्वल होगा, तो एमपीसी बढ़ेगा. तो एमपीसी के बढ़ने से डेफिनेटली मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. चीप मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वैसे बाकी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रख सकते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और कंजम्पशन भी बढ़े. फिफ्थ पॉइंट इज डेफिसिट बजट. तो डेफिसिट बजट जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकती है एज कम्पेयर टू देयर रेवेन्यू. टैक्सेस में छूट दे दे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करे ताकि मार्केट में बहुत सारी डिमांड हो और उससे जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके और जो सेक्युलर स्टेग्नेशन का एक डर है वो खत्म हो सके. सो इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू डिलार्ट, केन्स हैज नॉट पुट फॉरवर्ड एनी क्लियर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ secular stagnation. Even then, he assumes that without government control over investment, capitalist economies cannot hope to achieve full employment situation. Right? तो कोई इतना बड़ा नहीं है बात कि धीरे 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 secular stagnation को खत्म किया जा सकता है. That's all about the chapter. I hope आप लोग ये chapter कर लो अच्छे से. Thank you very much.